ये शमशीर तो राजदरबार की है। क्या राजदरबार की? हाँ, इसमें खैरागढ़ रियासत की शाही मोहर लगी है, लेकिन ये शमशीर राजदरबार की बीघा कैसे पहुंची? क्या मालूम था? बात तो आशा की है, हमें ऐसा लगता है कि कोई करीबी दुश्मन महाराज की रियासत को खोखला कर रहा है। ये शमशीर रियासत में ले लो, लेकिन याद रहे इसका राज खुलना नहीं चाहिए, ये राज हम तीनों के बीच रहेगा। वक्त आने पर ये शमशीर काम देगा। और चलो अब हम बंगले पर चल रहे हैं और फिर महाराज से रात पहुंचकर महाराज को खबर कर दूं कि शेरा राम गिरफ्तार नहीं हुआ। और जिसने हराम खोर रवि प्रताप सिंह किसी भी हालात में बचेगा नहीं।
उसे मौत के घाट उतार देगी, तुम्हारा नीचा देगी। इसलिए उसका मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो राज चल चुका है। अगर वो भेद हो गया तो हम लोगों के चार दिन जाने पड़ेंगे। इसे उसका मानना बहुत जरूरी है। रास्ते पे हटा देना अच्छी तरह से चले जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रणवीर प्रताप सिंह मंत्री जी की गोलियों से बच गया, लेकिन महारानी चमेली की जान से ही बचेगा। दासी यहां से जाओ सेनापति के बंगले पर और बोल दो कि राजमहल में महारानी तुम्हें याद करें ना बंगले में। जी जाओ। नौजवान हो, दुश्मन की लड़ाई मत लड़ो, पहले ये लड़ाई लड़ो महारानी चमेली के साथ में। क्या चमेली में लड़ना? हाँ चमेली, समझ गया कि महाराज की शादी किसी वैश्य के साथ रचाई की है। सेना पर कुछ भी कहो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे मुझसे। और एक बात और, तुम तो जानते हो महाराज को एक आम के कहने, वो तुम हो जो मेरे दिल की प्यास बुझा सकते हो। महाराज जी, जब ये बात थी तो आपने शादी क्यों रचाया? आपको शादी से इनकार कर देना था। अरे महारानी भूखी मर जाए, तुम किस मच की दवा हो सेनापति? महारानी जी, ये आप क्या देख रहे हो? सेज किस लिए सदाई हो सिर्फ तुम्हारे, खास तौर तुम्हारे लिए। और इसका जाया
ये कभी नहीं होगा। होगा